चलो सुनो क्वेश्चन नंबर 2। अभी ना इन क्वेश्चंस के अंदर अपने को क्लासिफाई करना पड़ेगा कि हर एक एक्सपेंस कौन से हेड के अंदर आएगा, ठीक है। तो वो वाला क्लासिफिकेशन आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से थोड़ा सा। A company gives the following data for a month. Okay. Production of finished goods 25,000 units. Okay. Sales of finished goods 26,000 units. Obviously कोई ऐसा पूछ सकता है सर how can sales be more than production? बेटा opening stock हो सकता है ना यार क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। Direct material 50,000 kgs purchased at the rate of 2. Direct labor 40,000 hours paid at the rate of 5 per hour. अच्छा अभी ना देखो डायरेक्ट मटेरियल 50,000 kgs परचेज एट द रेट ऑफ 2, मतलब मटेरियल कॉस्ट कितने रुपीस का हो गया 1 लाख। वर्कर लोगों ने कितने घंटे काम किया बेटा 40,000 एंड दोज गाइज वर पेड एट व्हाट रेट 5, तो अपना लेबर कॉस्ट कितने रुपीस का हो गया 2 लाख, ठीक है। आगे अब तुम लोग मेरे को बोलना दैट विल बी बेटर, तुम लोग मेरे को बोलना, मेरे को जरा बोलो ये वाले एक्सपेंसेस किधर किधर आएंगे। फैक्ट्री रेंट फॉर द मंथ मेरे को बोलो किधर आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। आगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी बोलो फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। सैलरी टू फैक्ट्री मैनेजर ये अपना बात हुआ था, दिस इज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। मैंने तुमको इसका 2 एग्जाम्पल दिया था, एक सैलरी टू फैक्ट्री मैनेजर और एक सीसीटीवी कैमरास के ऊपर जो डेप्रीसिएशन है। आगे सैलरी टू ऑफिस सेक्रेटरी बोलो ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, वो तो ऑफिस की है ना। आगे ऑफिस का रेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट S&D, ठीक है। फिर उसके बाद रुको 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 मेरे को पहले बोलो सैलरी ऑफ सेल्स वुमेन S&D, वो तो सेलिंग कॉस्ट मेरे ख्याल से हो जाएगा। उसके बाद बैड डेट्स, बैड डेट्स के लिए कल तुम लोग को 2 ऑप्शन दिया था, या फिर आप उसको बोलो बोलो कल बैड डेट्स के लिए 2 ऑप्शन दिया था, या बैड डेट्स को आप S&D मान लो या आप लोग उसको फाइनेंशियल एक्सपेंस मान लो। कई लोग ये करते हैं कई लोग ये करते हैं, जो तुम्हारी मर्जी है कर लेना। अभी 1 मिनट, अगर फाइनेंशियल एक्सपेंस करोगे तो कैन वी से फिर वो कॉस्ट शीट के अंदर आएगा ही नहीं ना, क्योंकि फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कॉस्ट शीट के अंदर नहीं आते। पहले मेरे को बोलो दोनों के अंदर से क्या करने का है ताकि वी ऑल हैव द सेम आंसर। उसको S&D मानो कि फाइनेंशियल, चलो फाइनेंशियल, यू ऑल आर लेजी पीपल, चलो ठीक है। तो फाइनेंशियल एक्सपेंस, ठीक है, तो अभी वो कॉस्ट शीट के अंदर नहीं आने वाला, ठीक है। आगे चल पड़ते हैं। स्टॉक्स एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑफ रॉ मटेरियल 5,000 केजीज एट द रेट ऑफ 1.5, ऑफ WIP 60,000, ऑफ फिनिश गुड्स 2,000 एट द रेट ऑफ 16 पर यूनिट। स्टॉक्स एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ रॉ मटेरियल 10,000 केजीज, ऑफ WIP 70,000 रुपीज, और फिनिश गुड्स तो क्वेश्चन मार्क है उधर, ठीक है। फिनिश गुड्स का स्टॉक मोस्टली ये लोग तुम लोगों को कभी देने भी नहीं वाले हैं, ठीक है। तो इन एनी केस वो तो हम लोग खुद ब खुद वैल्यू मेरे ख्याल से कर ही लेंगे। आगे चल पड़ते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट अज्यूमिंग दैट कंपनी फॉलोज फीफो मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। जब भी तुम लोग सम पढ़ रहे हो तुम्हारी बुक्स के अंदर ना ये वाला शॉर्ट्स प्रिंटेड होएगा, वो देखना पाप है तुम्हारे लिए जब तक क्वेश्चन खत्म नहीं होता, तो नहीं देखने का कभी भी। उसके आगे अपना हाथ रख लो जो रख लो वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो सुनो मेरे को बोलो, जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन कॉस्ट शीट का स्टार्ट करते हैं तो मेरे को शुरू में 4 क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। मेरे को बोलो कौन सी 4? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, आगे बोलो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स, क्वांटिटी सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक। मेरे को बोलो इस क्वेश्चन के अंदर 4 में से एक बार देख लो आराम से, स्क्रीन पर है तुमको जो भी चाहिए। मेरे को बोलो इन 4 के अंदर से एक फिगर इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है, मेरे को बोलो वो कौन सा फिगर नहीं है। मेरे ख्याल से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड भी है क्वांटिटी सोल्ड भी है और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी है। तो यहाँ पे जो नहीं है दैट इज नथिंग बट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। तो हम लोग ना क्या कर लेंगे, तुम लोग 1 पेज कॉस्ट शीट के लिए छोड़ो, नेक्स्ट पेज पे चलो। हम लोग 2 नोट पहले बनाएंगे, लिखो वर्किंग नोट 1 क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स। अच्छा, वैसे मेरे को बोलो, अगर मेरे को क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स का फॉर्मूला बनाने का है, इट विल बी व्हाट प्लस व्हाट माइनस व्हाट? ओपनिंग प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस लेस क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, तो यहां पे वैसे ही लिख रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स, this will give you quantity of closing stock. अच्छा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 2000 यूनिट का था, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स 25000 यूनिट का था, क्वांटिटी सोल्ड 26000 यूनिट का था, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1000 यूनिट्स का था। देखो वर्किंग नोट 2, बैड डेट्स। अच्छा लिखो, वी आर ट्रीटिंग बैड डेट्स एज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस एंड इग्नोरिंग फ्रॉम कॉस्ट शीट। Alternately, it can be treated as S&D. ठीक है, चलो सुनो मेरी बात। अभी 1 मिनट के लिए वेट करना, ठीक है, वंस आई टेल यू, उसके बाद अच्छे तरीके से नीट काम करना। सुनो मेरी बात, यहां पे ना स्टॉक्स एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, स्टॉक्स एट द एंड ऑफ द मंथ दिया हुआ है, सो देयरफॉर दिस इज कॉस्ट शीट फॉर द मंथ एंडेड। अभी आगे डेट्स वगैरह तो नहीं है, तो जाने दो। क्वांटिटी प्रोड्यूस 25000 यूनिट्स। प्लीज स्टार्ट करने का घाई मत करो, आई विल गिव यू ऑल गुड टाइम टू बी सॉल्विंग, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के ना बस 2 चीजें हैं दैट आई हैव टू बी सेइंग, बाकी तुम लोग सब कुछ मैनेज कर ही लोगे। मैं शॉर्ट फॉर्म्स शायद हर एक चीज का लिख दूं, ओके, लेकिन तुम लोग हर एक चीज का वो नहीं लिखना, ठीक है। यू राइट डाउन द वे दैट यू ऑल हैव डन इन द लास्ट लेक्चर, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। मेरे को बोलो रॉ मटेरियल्स का ओपनिंग स्टॉक बेटा कितने का है, मेरे को समथिंग इंटू समथिंग बोलोगे तो भी चलेगा, मेरे को समझ में आ जाएगा। 5000 kgs इंटू 1.5, कुछ कैलकुलेशन होता है ना, इट इज योर ड्यूटी टू बी शोइंग दैट कैलकुलेशन प्लीज, ठीक है, वो अपना ड्यूटी है, देयर आर मार्क्स फॉर इट, ठीक है। 7,500। उसके बाद मैंने और परचेजेस कितना किया, मैंने ये वाला परचेजेस किया, सो देयरफॉर ये वाला परचेजेस कितना था 50,000 kgs एट द रेट ऑफ 2, तो 1,00,000 रुपीज शायद मैंने पहले भी लिखा था। आगे लेस क्लोजिंग स्टॉक, सो लेस क्लोजिंग स्टॉक मेरे को बोलो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितने का है, और तुमको अभी मेरे को एक नंबर बोलना पड़ेगा, मेरे को बोलो वो 10,000 जो है यूनिट्स मतलब वो केजीज है कि रुपीज है, केजीज है, तो एक मिनट, लेकिन सामने ना मेरे को एक लाइन भी तो दिया है बेटा, क्या लिखा है दैट कंपनी फॉलोज फीफो मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, तो स्टॉक के अंदर तो रॉ मटेरियल स्टॉक भी तो आता ही है, तो मेरे को जरा बोलो पहले मेरे को एक प्रिंसिपल बोलो, रॉ मटेरियल स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब परचेज कॉस्ट, एंड इफ आई विल फॉलो फीफो मेथड, बस मेरे को एक नंबर बोलना ताकि आई ट्रस्ट दैट यू हैव सुपर माइंड, मेरे को बोलो 10,000 किलो का क्लोजिंग स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट, एक नंबर बोलो 2 रुपीज, ऑब्वियसली इट विल गेट वैल्यूड एट परचेज कॉस्ट, दिस इज लास्ट ईयर का परचेज कॉस्ट, दिस इज करंट ईयर का परचेज कॉस्ट, इफ आई फॉलो फीफो मेथड क्लोजिंग स्टॉक विल बी आउट ऑफ करंट ईयर, इज दैट ऑल फाइन? ओके तुमको सम सॉल्व करना है टुवर्ड्स द एंड, सो प्लीज बी केयरफुल। तो ये आ जाएगा 20,000 ब्रैकेट के अंदर डालने का, ओके यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा पर यूनिट के लिए यू शुड डिवाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ WIP, लेकिन पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन के अंदर भी WIP क्वांटिटीज वगैरह वो नहीं है, सो ऑल दोज एस्ट्रिक्स विल कम इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल्सो, और ऑलमोस्ट वो हर एक क्वेश्चन के अंदर आएंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया यहां पर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर तुम लोग को ब्रैकेट के अंदर ये वाला कैलकुलेशन दिखाने का है 40,000 kgs एट द रेट ऑफ 5, ठीक है। उसके बाद यहां पर आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, ठीक है, प्राइम कॉस्ट के बाद यहां पे आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडरलाइन करना, एक आइटम दो आइटम मेरे ख्याल से दो ही है बस, ठीक है। यहां पर इनर कॉलम के अंदर उनका अमाउंट लिखना, ठीक है, टोटल जो है वो बाहर लिखना, अगेन डिवाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स ओनली, क्योंकि WIP का क्वांटिटी वो नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। एक बार ये कर लेगा मेरे को बोलो जो टोटल मिलता है बेटा उस टोटल को आप लोग क्या बोलता है, मेरे को नाम बताओ, जो टोटल मिलता है इस टोटल को आप लोग क्या बोलता है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। नाउ यहां तक वो वाला एस्ट्रिक जो है वो रहेगा, उसके बाद एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, उसके बाद लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। सब लोग मेरे को बोलो WIP का पर यूनिट निकालने के लिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या करूं, किससे डिवाइड करूं, क्वांटिटी प्रोड्यूस के क्वांटिटी सोल्ड, बोलो यहाँ पे डैश ही आ जाएगा, दे शुड बी डिवाइडेड बाय क्वांटिटीज ऑफ WIP ओनली, WIP का क्वांटिटी तो नहीं है, सो देयरफॉर दिस विल बी योर नेट फैक्ट्री कॉस्ट एंड प्लीज डिवाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स। मेरे को जरा बोलो जो ऊपर लाल वाला एस्ट्रिक है ओके वो मेरे को नेट फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर भी डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? यार सब लोग बोला करो ना यार, नहीं, क्योंकि यहां तक जो कॉस्ट बच जाता है दैट इज ओनली फॉर व्हाट यार, फिनिश गुड्स, WIP तो ऊपर रह गया, ठीक है। उसके बाद एड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक है, और वहां पर एक ही खर्चा है पूरे क्वेश्चन के अंदर, ओके वो जो भी खर्चा है वो थर्ड वाला खर्चा इधर तुम लोग लिख देना डायरेक्टली इन द आउटर कॉलम, अभी एक ही खर्चा है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम के अंदर लिख ही देना। ये वाला जो चीज है इसको हम लोग COP बोल देता है, ठीक है। नाउ उसके बाद एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अपना अभी अभी बात हुआ था वो 2000 यूनिट का है, ठीक है। उसके बाद लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, हम लोगों ने अभी अभी कंप्यूट किया कितने यूनिट्स का था 1000, ठीक है। सुनो मेरी बात, मेरे को बोलो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट अमाउंट 32,000, ये 16 पर यूनिट है ना, तो तू पर यूनिट के अंदर लिख फिर 16, ओके, एंड ऑब्वियसली 16 यू विल मल्टीप्लाई बाय व्हाट, तो 2000 नो, तो ये वाला चीज आ जाएगा 32,000। इज इट ऑल ओके? ओके थैंक यू। मेरे को जरा बोलो अभी तुम लोग क्लोजिंग स्टॉक अगर फीफो मेथड के हिसाब से वैल्यू करोगे तो कौन सा नंबर किधर कॉपी करोगे, ये वाला फिगर इधर कॉपी कर लेने का, इधर लिख लेने का, ये वाली फिगर को आगे बोलो 1000 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आ जाएगा। ओके, मेरे बोलने के बाद भी 3-4 लोग पक्की बात ऐसे ही होंगे जो क्लोजिंग स्टॉक ऐड ही करेंगे। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक लेस करना होता है। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा COGS। ठीक है, COGS ऑनवर्ड्स अगर पर यूनिट निकालने का है, यू ऑलवेज हैव टू डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड। COGS का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, फिर उसके बाद एड जनरल एडमिन। ठीक है, जनरल एडमिन के इस क्वेश्चन के अंदर बेटा 4th है, 5th है, मेरे ख्याल से 2 ही खर्चे हैं। तो इन द इनर कॉलम यू राइट डाउन दोज पर्टिकुलर थिंग्स। ठीक है, और क्या करना, सुनो 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 मेरी बात। ठीक है, इनर कॉलम के अंदर लिख के ये वाला चीज डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड। उसके बाद एड S&D के अंदर अभी तुम्हारा एक एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, एक सैलरी ऑफ सेल्स वुमेन आ जाएगा। सो देयरफॉर दिस विल बी 6, दिस विल बी 7 ओवर हियर। ठीक है, एक बार ये वाला काम कर लोगे तो प्लीज इसको और इसको तीनों को ऐड करना। दिस विल स्टार्ट टू गिव यू कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, अभी उसके बाद ये सम खत्म हो जाएगा। तो बोलते सर आपने सेल्स वगैरह क्यों नहीं लिखा? मैंने मेरे ख्याल से कल एक बार बोल दिया था, अगर प्रॉफिट दिया होता तो मैं सेल्स तक पहुंच जाता, अगर सेल्स दिया होता तो मैं पिछले क्वेश्चन की तरह प्रॉफिट को बैलेंसिंग फिगर निकाल लेता। देखो इस क्वेश्चन के अंदर ना ही प्रॉफिट है ना ही सेल्स है, तो इन एनी केस माय कॉस्ट शीट विल गेट फिनिश लाइक दैट ओनली, कॉस्ट ऑफ सेल्स तक ही। इज दैट ओके? अच्छा, अब मेरे को अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से सब लोग बोलो, तुमको क्या लगता है कितना टाइम जाएगा टू फिनिश ऑफ दिस क्वेश्चन? बोलो, अभी कोई नहीं बोल रहा तो मेरी मर्जी फिर। हाँ, चलो मैं तुमको 12 मिनट देता हूं, तो तुम लोग भी क्या याद करोगे? तुम लोग स्टार्ट करो, मैं तुमको ये वाला चीज नहीं दिखाने वाला। वी ऑल हैव डन द कॉस्ट शीट, यू ऑल नो दीज पर्टिकुलर थिंग्स, आई हैव डिस्कस्ड इट विद यू ऑल। ठीक है, तो इन एनी केस आई एम शोइंग द क्वेश्चन ऑन स्क्रीन ओनली। जो भी तुमको क्वेश्चन के अंदर चाहिए वो क्वेश्चन वो स्क्रीन पर है इस वक्त। ठीक है, इन 12 मिनट्स इंश्योर दैट यू फिनिश। सिली एरर्स मत करना। उसके बाद अगर जरूरत पड़ी आई माइट टेक अ मिनट एंड आई माइट ट्राई टू फिनिश ऑफ द क्वेश्चन, अगर किसी का आंसर टैली नहीं हुआ तो। ठीक है, 12 मिनट, अभी तो 11:30 मिनट, स्टार्ट करो। जब किसी का फाइनल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा तो एक बार प्राइवेट मैसेज कर देना। Many people are telling me 18.18. ओके, तो एक बार वेरीफाई कर लेना सब लोग। मैं भी 2 मिनट के अंदर सॉल्व करने वालों में से भी, लेकिन फटाफट। Your time is over. मेरे को एक बार कंफर्म कर देना, नेट फैक्ट्री कॉस्ट 357,500 आता है, एक बार बस मेरे को कंफर्म कर देना। 14.7 will be your valuation price. 14.7, 14,700, 367,500 plus 32,000 less 14,700, 384,800. उसके बाद जनरल एडमिन का 48,000 है और एसएनडी का एक 15 है, एक 25 है, तो 40,000 है. 472,800. 472,800 divided by 26,000, 18.18. एक मिनट और दे रहा हूं जिन लोगों का खत्म नहीं हुआ, एंड देन आई शैल स्टार्ट अवे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. सर यहाँ पे प्रॉफिट और सेल्स कैलकुलेट नहीं होगा ना? नहीं होएगा. सो कॉस्ट ऑफ सेल्स विल बी द लास्ट थिंग, बस वो इंफॉर्मेशन ही नहीं है सम के अंदर सर. हाँ सर, वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में एसएनडी को इनर कॉलम में टोटल करके 88. हाँ चलेगा 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 बेटा चलेगा. सर आई डिडंट गेट द आंसर राइट, तो देख लेना मैंने स्क्रीन के ऊपर तो लिखा है बेटा, नंबर सारे के सारे देख ले. जल्दी से देख ले. जल्दी देख लो. चलो सुनो. सो दीज आर योर आंसर्स एज सच. तुम्हारा फाइनल आंसर 472,800 है. 18.18 दिस शुड बी योर फाइनल फिगर एज सच. ठीक है. चलो सुनो, इस क्वेश्चन के शॉर्ट्स के अंदर व्हाट आई हैव रिटन, तो एक बार जरा देख लेते हैं. रिमेंबर आरएम स्टॉक्स आर ऑलवेज वैल्यूड एट परचेज कॉस्ट, फिनिश गुड स्टॉक्स आर वैल्यूड एट सीओपी, जो मेरे ख्याल से आप लोगों ने किया वैल्यूएशन. ठीक है. सुनो अभी ना मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं तुमको इसके बाद बोलने वाला है. ठीक है, बराबर से सुनना. अगर किसी क्वेश्चन के अंदर फिनिश गुड्स का स्टॉक ही नहीं होगा, फिर से रिपीट करता हूं, अगर कोई क्वेश्चन के अंदर फिनिश गुड्स का स्टॉक ही नहीं होगा तो जरा सोचो फिर आपको पर यूनिट के कॉलम की जरूरत क्या है. पर यूनिट का कॉलम इनफैक्ट अगर कभी एग्जाम के ना बहुत जल्दी है ओके, मतलब से दैट एग्जाम के बाद यू आर अबाउट टू बी गेटिंग मैरिड ओके, तुमको बहुत जल्दी है, बस पेपर खत्म ही करने का है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस पर यूनिट कॉलम बना लेना, लेकिन सिर्फ यही वाली फिगर कॉपी कर लेना, मतलब सिर्फ यही वाली फिगर कंप्यूट कर लेना. इसके अलावा और कोई फिगर कंप्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी फिगर्स आर ऑल टाइम पास. तुमको समझा जो मैंने बोला? तुमको ये वाली फिगर क्यों कंप्यूट करनी पड़ती है? क्योंकि तुमको ये वाली फिगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स के लिए चाहिए ना. सब लोग बोलो मेरे को. सब लोग का मतलब एक बंदा नहीं होता, सब लोग का मतलब होता है सब लोग. ओके, यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? तो अगर सम के अंदर क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी, अगर सम के अंदर स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स नहीं है तो पर यूनिट वाला फिगर ना कभी बनाने का ही नहीं. ओके, एट दैट टाइम ऑल दोस पर्टिकुलर थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड ओनली. या फिर अगर कोई क्वेश्चन के अंदर फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन करके दिया हुआ है तो भी मेरे को पर यूनिट फिगर की कोई जरूरत नहीं है. इज दिस अंडरस्टूड? ठीक है. तो फिर अभी एक और क्वेश्चन वो पूछता हूं, मेरे को बराबर से बोल देना वरना मेरे को हार्ट अटैक आ सकता है. मेरे को बोलो, नहीं आएगा हार्ट अटैक, डोंट वरी. अगर कोई सम के अंदर स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है ही नहीं, मतलब विच टू फिगर्स विल ऑलवेज बी सेम देन? अगर कोई सम के अंदर स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है ही नहीं तो विच टू नंबर? हाँ, क्वांटिटी प्रोड्यूस एंड क्वांटिटी सोल्ड विल बिकम सेम। नो, जितना प्रोड्यूस किया फिर उतना ही बेचा ना, क्वेश्चन समझा। अगर मैं तुमको तुम्हारा कोई भी वर्किंग नोट दिखाऊं, मेहरबानी करने की ट्राई करूं तो अगर ये वाला फिगर नहीं होएगा, ये वाला फिगर नहीं होएगा तो दिस एंड दिस विल ऑलवेज बिकम सेम ओनली। नो देन अभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करें। बहुत मैंने तुम लोगों से बात कर ली, चलो। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर लेते हैं। पढ़िए, प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग कॉस्ट पर टन। इंस्ट्रक्शंस के ऊपर दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं है, सामने बोला है ऐसा करने का तो वैसे करने का, तब ना मैं आता हूं बीच में ना भगवान आता है बीच में। ओके, व्हाटएवर सम हैज टोल्ड अबाइड बाय द इंस्ट्रक्शंस इन लाइफ। ठीक है, प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग कॉस्ट पर टन, तो सामने बोल दिया कि पर यूनिट वाला कॉलम बना लेना। अभी सम के अंदर स्टॉक है या नहीं है डज नॉट मैटर। आप लोगों को आगे बोलो, पर यूनिट वाला कॉलम बनाना पड़ेगा क्योंकि सम ने बोल दिया। ठीक है, ऑफ पेपर मैन्युफैक्चर्ड बाय स्नो वाइट पब्लिकेशंस इन मार्च 2022 अंडर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। डायरेक्ट मटीरियल पेपर पल्प्स 1100 टन एट द रेट ऑफ 70 पर टन। अदर मिसलेनियस मटीरियल 300 टन एट द रेट ऑफ 50 पर टन। चलो ठीक है, आगे डायरेक्ट लेबर 200 स्किल्ड मैन फॉर 25 डेज एट द रेट ऑफ 6 पर डे। 175 स्किल्ड मैन सेमी स्किल्ड मैन एट द रेट ऑफ 30 डेज एट द रेट ऑफ 5 पर डे। 150 अनस्किल्ड मैन फॉर 25 डेज एट द रेट ऑफ 4 पर डे। चलो ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अभी सम के अंदर दिया हुआ है तो मतलब है। स्पेशल इक्विपमेंट हायर चार्जेस 10,000, स्पेशल डाइज तो 5,000। वर्क्स ओवरहेड्स इज एन ऑल्टरनेट नेम फॉर फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, तो वेरिएबल 100% ऑफ वेजेस, फिक्स्ड एट द रेट ऑफ 50% ऑफ वेजेस। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, मेरे को बोलो अगर एडमिन के लिए नहीं दिया हुआ, इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन के, इट इज जनरल, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या अज्यूम करेंगा, जनरल, बट बेटर टू राइट डाउन अ नोट टू दैट पर्टिकुलर इफेक्ट ताकि कोई झंझट ही ना हो। आगे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इज दिस मच। फिनिश्ड पेपर मैन्युफैक्चर्ड इज 1000 टन। सेल्स एट द रेट ऑफ 400 पर टन। चलो ठीक है, करने का क्या था वो तो फर्स्ट लाइन पर ही लिखा हुआ था कि कॉस्ट शीट बनाने का शोइंग कॉस्ट पर टन। चलो ठीक है, अभी सम तुम्हारी आंखों के सामने है, बराबर से देखना तुम लोग। मेरे को जरा बोलो तुम लोग बनाते क्या हो, प्रोडक्ट का नाम बताओ। तुम लोग बनाते क्या हो, बनाते क्या हो, पेपर बनाते हो। ठीक है, पेपर हम लोगों ने कितना टन्स ऑफ पेपर प्रोड्यूस किया, देखो किधर ना किधर वो लिखा हुआ है 1000 टन्स, इधर लिख के रखा हुआ है। ठीक है, इधर लिख के रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा मेरे को बोलो सम के ना फिनिश गुड्स का स्टॉक दिखाई दे रहा है क्या तुमको? नहीं दिया, मतलब फिनिश गुड्स का स्टॉक नहीं है बोले तो जीरो है। वैसे इस क्वेश्चन के ना ही रॉ मटेरियल का स्टॉक है ना ही WIP का स्टॉक है। तुमको समझा जो मैंने बोला? तो एक मिनट, अगर फिनिश गुड्स का स्टॉक नहीं है तो कैन वी से क्वांटिटी प्रोड्यूस इज ऑल्सो इक्वल टू क्वांटिटी सोल्ड? नो, तो ये तेरा क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड भी है और ये तेरा क्वांटिटी सोल्ड भी है। इज दैट ओके फॉर एवरीबडी? अभी सुनो, अभी तुमको कुछ और भी बोलता हूं और सॉलिड दिमाग यूज करना मेरे को यस या नो बोलने से पहले। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को सम पढ़ के पता चल गया क्योंकि सम तो मैंने बनाया था। 400 टन ऑफ रॉ मटेरियल वेस्ट हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो मेरे को 400 किधर से मिल गया, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। 400 टन ऑफ रॉ मटेरियल वेस्ट हुआ है इस क्वेश्चन, उसका क्या करेंगे वो मारो गोली। तुम लोग 400 निकालने का ट्राई करो। डायरेक्ट मटेरियल माइनस फिनिश्ड पेपर। सुनो, मैंने मटेरियल एक 1100 टन का अंदर डाला और एक 300 टन का अंदर डाला। चलो तुमको एक ऐसी में टाइम पास के लिए चीज पूछता है बिकॉज आई थिंक यू ऑल आर वेरी स्मार्ट, मेरे को ऐसा लगता है। मेरे को बोलो, वैसे पूछता है, इस क्वेश्चन के लिए काम में नहीं आएगा, इंटर के अंदर भी काम में नहीं आएगा, जिंदगी में शायद आ जाए। मेरे को बोलो 1 टन इज कितना केजीज? 1000। ब्रिलियंट ब्रिलियंट, चलो ठीक है। नाउ आई विल आस्क यू द सेम क्वेश्चन वंस मोर। 1 टन इज कितना केजीज? बराबर। मैं इंटेलिजेंट क्वेश्चन ही बस पूछता है, फालतू क्वेश्चन में पूछता ही नहीं। जिसका आंसर तुमको आता होगा मैं वो क्यों पूछूं? बोलो बोलो बोलो। वही तो मैं पूछ रहा हूं, तो मेरा क्वेश्चन तो मेरे को ही पूछता है, तो स्पेलिंग का तो फर्क है ना दोनों के अंदर। नो मैडम, जाने दो, अपने को क्या करने का है। ओके, कभी ना कभी मैं बता दूंगा। सीए फाइनल के अंदर तो मेरे को क्वेश्चंस भी करवाने का है, तो उसके ऊपर इंटर सीए के अंदर काम में नहीं आएगा। अगर कभी मन किया फॉर टाइम पास आई टेल यू, लेकिन अभी के लिए मैं नहीं बता रहा हूं। सुनो, जाने दो, तो मेरे को क्या करने का है। इस सम के अंदर एक चीज पहले जरा सोचो, रॉ मटेरियल कितना अंदर डाला, 1100 टन। अदर मिसलेनियस मटेरियल और कितना अंदर डाला, 300 टन। तो टोटली रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ, 1400 टन। लेकिन फिर भी तुम्हारा जो पेपर बाहर आया वो कितना बाहर आया, 1000 टन। मतलब 400 टन इज लॉस्ट। नो, तुमको ये पता चला 400 टन इज लॉस्ट। अभी जरा सोचो, जब भी स्क्रैप जनरेट होता है तो इतना समझ में आएगा शायद, जितना रॉ मटेरियल अंदर डाला ना, फिनिश गुड्स शायद उतना एग्जैक्टली बाहर ना आए, क्योंकि दुनिया में वेस्ट करके भी होता है। एग्जाम्पल, तुम्हारे घर में अगर फर्नीचर का काम कभी हुआ है तो जो कारपेंटर है वो प्लाईवुड का टुकड़ा लेकर आएगा। ओके, वो प्लाईवुड लेकर आएगा, उससे अलमारी या बेड बनाएगा। जब भी वो अलमारी या बेड बनाता है तो कुछ ना कुछ वेस्ट नीचे गिरता है। उस वेस्ट को हम लोग क्या बोलता है अंग्रेजी में? अंग्रेजी में, हिंदी में वो भूसा वगैरह बोलता है। यू फॉरगेट इट। अरे सॉडस्ट बोलता है उसको, सॉडस्ट, सॉडस्ट बोलता है। हाँ, दैट इज स्क्रैप ओनली, लेकिन उसका जो वर्ड होता है तो वो सॉडस्ट होता है। ओके अभी वैसे तुमको बोलता हूं, दिस सॉडस्ट नो इफ योर कारपेंटर विल कलेक्ट, ओके ही कैन सेल इट टू अदर कंपनीज। बहुत कंपनीज होती हैं जो सॉडस्ट यूज करके भी फर्नीचर बनाता है। जो MDF करके एक फर्नीचर आता है, मीडियम डेंसिटी फाइबर, ओके, जो ये आइकिया वगैरह, आइकिया ऐसा कुछ सुना दुनिया के अंदर, फर्नीचर कंपनी। ओके, तो वो लोग जो फर्नीचर है ना, दे मेक इट आउट ऑफ द शुगर केन का वेस्ट एंड दे मेक इट आउट ऑफ द सॉडस्ट। ओके, तो वो जो सॉडस्ट वगैरह होता है वो बिककर अपने को पैसा भी मिल सकता है, ठीक है। अभी अगर वो पैसा मिलेगा तो वो वाला पैसा जो है, इस क्वेश्चन के अंदर वैसा कुछ दिया ही नहीं हुआ। तो स्क्रैप का जो अमाउंट अपने को मिलेगा वो कितना है, 0 इस क्वेश्चन के अंदर। लेकिन अगर अपने को स्क्रैप बेच के कुछ पैसा मिलता है ना, अगर अपने को स्क्रैप बेच के कुछ पैसा मिलता है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस वो वाला पैसा कॉस्ट शीट के अंदर किधर आता है, वो मैं तुमको एडवांस कॉस्ट शीट के अंदर सिखाऊंगा। वो मैं तुमको अभी नहीं सिखा सकता, इट इज टू अर्ली एज। ओके, एक मिनट, मेरे को लास्ट टाइम जरा बोलना, तुमको इतना तो समझा कि 400 टन का स्क्रैप निकलेगा इस क्वेश्चन के अंदर? अच्छा ठीक है, अभी मैं ऐसे टाइम पास कर रहा हूं। फिर से मेरे को जरा बोलो, वो जो 400 टन तुम लोगों ने बोला, वैसे ही तुमको पूछते हैं, वैसे वैसे टाइम पास के लिए, इज दैट स्क्रैप और इज दैट वेस्ट? और बोथ दीज वर्ड्स आर सेम ओनली सर। स्क्रैप तो वेस्ट ही होता है सर। ओके, तो स्क्रैप और वेस्ट के ना फर्क क्या होगा, एक्सेप्ट द स्पेलिंग आर डिफरेंट। लेकिन स्क्रैप बेच के, चलो ठीक है, तुमको शायद एक लाइन में बोलूं तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। डू नॉट वेस्ट माई टाइम, डू नॉट स्क्रैप माई टाइम, दोनों कहने से विच लाइन इज करेक्ट? डू नॉट वेस्ट। नो, तो वेस्ट ना डज नॉट हैव अ वैल्यू, स्क्रैप यूजुअली हैज अ वैल्यू, ठीक है। अगर मेरे को टेक्निकल वो जाने का है तो, वरना इट डजंट मच मैटर ऑल्सो, यू कैन ट्राई टू बी सेइंग वेस्ट इज दैट स्क्रैप दैट डज नॉट हैव अ वैल्यू, ठीक है। तो ऐसा भी बोलोगे तो भी वो चली जाएगा, तो बोलने के अंदर क्या जाता है अपना, बट दिस अ टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। चलो अभी हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं। इस क्वेश्चन के ना 400 टन ऑफ वेस्ट निकलता है। अगर उस वेस्ट को बेच के अपने को कुछ पैसा मिलता, वो वाला पैसा कॉस्ट शीट के अंदर किधर जाएगा, वो एडवांस कॉस्ट शीट के अंदर सिखाऊंगा। इस क्वेश्चन के अंदर सिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्क्रैप बेच के कोई पैसा मिल ही नहीं रहा पूरे क्वेश्चन के अंदर, ऐसा तो कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। मेरे को जरा बोलो यू आर गोइंग टू बी मेकिंग कॉस्ट शीट फॉर व्हाट पीरियड। ये क्वेश्चन जरा देखो किस पीरियड का है बेटा, इट इज फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022। ठीक है, तुमको शुरू के अंदर ये टाइटल देखना अच्छा लगता है तो लिख सकते हो स्नो वाइट पब्लिकेशंस। एक ऐसा अगर वो टाइटल देने का है तो दे दो, दैट्स ओके फॉर मी। लिखो स्नो वाइट पब्लिकेशन, इन द बुक्स ऑफ स्नो वाइट पब्लिकेशन, ऐसा भी लिखने का होगा। इट इज ऑल ओके यार, इट डजंट मैटर मच। लिखो स्नो वाइट पब्लिकेशंस, आगे लिखना कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022। कॉस्ट, एक सेकंड रुको 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 रुको, यहाँ पे वो वाला चीज मैं लिखना भूल गया। तो लिखो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश्ड गुड्स is equal to quantity sold of finished goods is equal to 1000। यहाँ पे टन्स के स्पेलिंग मैं सम से कॉपी करता हूँ बेटा, TONS है। ठीक है, अभी उसके बाद एक टोटल वाला कॉलम बनाऊं और एक पर यूनिट वाला कॉलम बनाऊं। चलो सुन, लाइंस वगैरह तो वो बना लो। चलो लेट्स स्टार्ट, लिखिए जरा प्लीज। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक, एड परचेजेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक। एक मिनट, ये तुम लोग काटो। अगर रब कर सकते हो तो कर देना, क्योंकि इस सम के ना स्टॉक तो थे ही नहीं, तो मेरे को ये वाला चीज वो लिखना ही नहीं चाहिए था एक्चुअली। बस इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल, तो ये जो दिया हुआ है बेटा ये कंजम्पशन ही होएगा, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो यहाँ पे तुम लोग डायरेक्टली ही लिखो पेपर पल्प्स। तो सुनो, यहाँ पे दो मटेरियल है ना, तो इनर कॉलम के अंदर वो लिखेंगे एंड फाइनल टोटल विल हैव आउटसाइड। ठीक है, तो 1100 टन्स एट द रेट ऑफ 70 पर टन, 77,000। उसके बाद अदर मिसलिनियस मटेरियल, सिर्फ अदर्स भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा। 300 इंटू 50 15,000 92,000। अच्छा, डिवाइड दिस ऑब्वियसली बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस, ऑल्दो यहाँ पे क्वांटिटी प्रोड्यूस और क्वांटिटी सोल्ड सेम ही है, तो 92,000 अपॉन 1000 92। आगे डायरेक्टली डायरेक्ट लेबर में एक लिख देता हूं, उसका कैलकुलेशन भी लिख देता हूं, बाकी दो यू ऑल कैन राइट डाउन। सो स्किल्ड मैन, सेमी स्किल्ड मैन, अनस्किल्ड मैन, तो आई एम राइटिंग स्किल्ड। हम लोग एक महीने का बात कर रहे हैं, इस महीने में 200 स्किल्ड लोगों ने काम किया। कितने डेज के लिए? 25। एंड वी पे देम एट व्हाट रेट गाइस? 6। तो 200 इंटू 25 इंटू 6 30,000। तुम लोग नेक्स्ट दो भी लिखो और मेरे को टोटल बताना प्लीज। कितना कितना बेटा टोटल? 71,250, तो 71.25 आ जाएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो भूलना नहीं, सम के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस वर्ड ही दिया हुआ है बेटा, और क्या मैं बोलूं। तो ये दोनों चीजें लिखो इन द इनर कॉलम। टोटल ऑब्वियसली 15,000 टोटल कर लेना, सब लोग प्राइम कॉस्ट तक पहले पहुंच जाओ। ऐड मैं सेम टर्म यूज कर रहा हूं जो सम के अंदर है। फैक्ट्री ओवरहेड्स के बदले में ना वर्क्स ओवरहेड्स लिख देता हूं। अच्छा, उसके दो पार्ट्स हैं, वेरिएबल 100% ऑफ वेजेस, वेरिएबल 100% ऑफ वेजेस बोले तो सेम एज वेजेस ना यार, और उसके बाद फिक्स्ड 50% ऑफ वेजेस, तो 71,250 इंटू 50% 35,625। प्लीज टोटल्स चेक कर लिया करो। हाँ, टू 85.125। अच्छा सुनो 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 सुनो, देखो वैसे ही तुम्हारा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट है, ठीक है, ये तुम्हारा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट है, लेकिन जरा सोचो इस क्वेश्चन के ना कोई WIP स्टॉक तो नहीं है, तो मैं इसके बाद ये तो नहीं लिखने वाला ना एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा तो नहीं लिखने वाला। तो मतलब ये तुम्हारा फैक्ट्री कॉस्ट ही है। तुम लोग इसको वर्क्स कॉस्ट भी लिखोगे तो इनफैक्ट और अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने वर्क्स ओवरहेड्स टर्म यूज किया था, तो आप लोग इसको वर्क्स कॉस्ट भी बोलोगे तो भी चलेगा। ठीक है, चलो उसके बाद एक और चीज, एडमिनिस्ट्रेशन वी आर अज्यूमिंग इट टू बी जनरल बेटा, तो ये वाला चीज तुम्हारा सीओपी भी हो जाएगा। एक और टर्म भी एक्चुअली यहाँ पे मेरे को शायद वो डाल ही देना पड़ेगा, मेरे को बोलो इस क्वेश्चन के अंदर। वैसे अच्छा कोई और क्वेश्चन के अंदर सीओपी के बाद क्या आता है? हाँ मतलब फिनिश गुड्स का स्टॉक वो एडजस्ट करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर तो फिनिश गुड्स का स्टॉक भी नहीं है बेटा, तो सब कुछ यही हो जाता है। तुमको अगर ये दोनों टर्म्स नहीं भी लिखना दैट्स ऑल ओके, तो वो चलेगा, इट इज नॉट सच अ बिग थिंग कि वो लिखने का ही अपने को, लेकिन ये सारी टर्म सेम हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पे फिनिश गुड्स का स्टॉक भी नहीं है। ठीक है, आगे ऐड, अच्छा ऐड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ये दे देगा कॉस्ट ऑफ सेल्स 26,313, 56,625। बोल बेटा। सर मुझे प्राइम कॉस्ट का वो अमाउंट नहीं मिल आ रहा है बेटा, ये तीन अमाउंट्स चेक करना, ये और ये, तो देख ले कि कौन सा अमाउंट वो नहीं आ रहा, कौन सा अमाउंट नहीं आ रहा। मेरा एक गलती हो गया, सॉरी। ठीक है सर, मिल गया, ओके। आगे कॉस्ट ऑफ सेल्स तक वो पहुंचो, उसके बाद एड प्रॉफिट। एक बार ये मेरे साथ यू ऑल कैन राइट डाउन एंड देन यू ऑल कैन ट्राई टू फिनिश ऑफ योर कॉस्ट शीट ओनली बेटा। सुनो 56,625 भी लिख ही लिया था। सुनो ये जो फिनिश पेपर मैन्युफैक्चर्ड है, यही क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है, यही क्वांटिटी सोल्ड है, एंड व्हेनेवर यू सेल एट 400 पर टन। व्हेनेवर यू सेल एट 400 पर टन, तो ये तुम्हारा 400 का सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, सेलिंग प्राइस ही इधर वो लिखते हैं, 400 हम लोगों ने इस प्राइस के ऊपर बेचा। मेरे को बोलो कितने टन्स बेचे, एक नंबर बोलो, मैंने अभी तो बोला था 1000, तो 400 इंटू 1000 तो 4 लाख रुपए का सेल्स किया। तो बस यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लेना और हर जगह पे 1000 से डिवाइड कर करके आंसर निकाल लेना। फिर से बोले एक बार बेटा, 31,937। टोटल 3,68,063। ठीक, पर यूनिट वो निकाल लेना और 1000 से डिवाइड करने का बेटा। अच्छा सुनो, यहां पे ना बस एक नोट लिख के रखना, राइट डाउन फर्स्ट, एक ही नोट आएगा एक्चुअली, तो लिखो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर अज्यूम टू बी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, बस इतना ही। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर अज्यूम्ड टू बी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। चलो सुन, इस क्वेश्चन के शॉर्ट्स के अंदर जरा देखना, ध्यान से पढ़ना और देखो ये वाला चीज याद आता है कि नहीं। पर यूनिट कॉलम इज ओनली रिक्वायर्ड इफ देर आर फिनिश गुड्स स्टॉक्स टू बी वैल्यूड। इस क्वेश्चन के अंदर फिनिश गुड्स का स्टॉक नहीं था। इन दिस क्वेश्चन देर आर नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक्स ऑफ फिनिश गुड्स, हेंस क्वांटिटी प्रोड्यूस इज इक्वल टू क्वांटिटी सोल्ड। In this question, we prepare per unit column because of instructions in the problem. ठीक है, तो in any case यहां पे per unit इसलिए बनाया क्योंकि सम के अंदर इधर लिखा हुआ था कि भाई per unit column बना देना। ठीक है, सुनो, इसके बाद दो क्वेश्चन होमवर्क के हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो एक साइड छोड़ दो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको आज सॉल्व करने का है, एक और साइड छोड़ देना फॉर क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको सॉल्व करने का है, एक और साइड छोड़ देना क्वेश्चन नंबर 6। दीज ऑल फेयरली सिंपल क्वेश्चन, सो यू ऑल विल नॉट हैव अ इशू। ठीक है, तो 3 साइड वो छोड़ दो। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ प्लीज। चलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 7। इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फर्निशेज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर 10,000 कलर टीवी ट्यूब्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द ईयर 2021। ठीक है, मटीरियल 90,000, फैक्ट्री वेजेस 60,000। ठीक है, अच्छा एक बार फिर से पढ़ रहा हूं ताकि तुम लोग लिखना स्टार्ट कर दो कि हर एक्सपेंस किधर आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फर्निशेज यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर 10,000 सीटीवी मतलब कलर टीवी ट्यूब्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द ईयर 2021। मटीरियल्स बोले तो डायरेक्ट मटीरियल्स, फैक्ट्री वेजेस बोले तो डायरेक्ट वेजेस। बेटा डायरेक्ट वेजेस भी फैक्ट्री के अंदर ही लगता है ना यार, सो देयरफॉर डायरेक्ट वेजेस। कंज्यूमेबल स्टोर्स क्या होता है मैं बोल देता हूं, फिर तुम लोग मेरे को बताना। एग्जाम्पल, मशीन्स चलाने के लिए कोयला चाहिए, दैट इज कंज्यूमेबल स्टोर्स, जो कंज्यूम हो जाता है लेकिन फैक्ट्री के अंदर नहीं, मतलब गुड्स के अंदर नहीं जाता। एग्जाम्पल फिनेल, ओके, वो भी कंज्यूमेबल स्टोर्स ही है। मेरे को बोलो ये सब चीजें किधर आना चाहिए? फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर। ठीक है, आगे फैक्ट्री इनडायरेक्ट वेजेस, ये मैंने फर्स्ट डे भी बोला था। डायरेक्ट वेजेस इज अ वेजेस पेड टू दोज वर्कर्स हु प्रोड्यूस योर प्रोडक्ट। इनडायरेक्ट वेजेस आर द वेजेस पेड टू अदर पीपल। एग्जांपल, एक वर्कर आया, बोलता साहब मैं क्या काम करूं? मैंने बोला तू गुड्स बना के दिखाना कि तू गुड्स कैसे बनाएगा। उसने मेरे को डेमो दिया, इतना थर्ड क्लास बंदा। मैंने बोला सुन, फैक्ट्री के अंदर आके गुड्स को मैन्युफैक्चर करने का ट्राई भी मत करना, बहुत मारेगा तेरे को। बोलता साहब तो फिर मैं क्या करूं फैक्ट्री आके? मैंने बोला तू फैक्ट्री को झाड़ू मारेगा रोज। बोलता ठीक है सर, ओके, दैट इज फैक्ट्री इनडायरेक्ट वेजेस। दीज गाइज आर नॉट एंगेज्ड इन प्रोडक्शन बट स्टिल दीज आर वर्कर्स। वर्कर जो झाड़ू मारता है, वर्कर जो मशीन्स की साफ सफाई करता है, वर्कर जो मशीन्स को ग्रीस करता है, मेंटेन करता है। ओके, मेरे को बोलो ऐसे लोगों का वेजेस डायरेक्ट वेजेस तो नहीं होगा, हम लोग उसको इनडायरेक्ट वेजेस तो बोल देते हैं। मेरे को बोलो इनडायरेक्ट वेजेस किधर आएगा बेटा? फैक्ट्री ओवरहेड्स। आगे लाइटिंग ऑफ फैक्ट्री, एक सेकेंड हाँ, बस तुम्हारे लिए एक चीज वो बोलता हूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टर्म लाइटिंग कॉस्ट एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टर्म पावर कॉस्ट। लाइटिंग कॉस्ट क्या होता है? लाइटिंग मतलब उजाला करने का खर्चा, ठीक है, दैट इज लाइटिंग कॉस्ट। पावर कॉस्ट इज अ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू रन द मशीन्स। ठीक है, इट इज अ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू रन द मशीन्स। ऑब्वियसली लाइटिंग कॉस्ट जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर ही आएगा। ठीक है, आगे डिफेक्टिव वर्क कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन, मैं एक्सप्लेन करता हूं। तुम लोगों ने ना कुछ गुड्स बनाए, बराबर नहीं बने, तो हम लोगों ने सोचा फेंकने का क्यों यार। मैंने अपने एक वर्कर को बुलाया, मैंने बोला भाई उसके अंदर जो भी कमी है ना तो उसको ठीक कर, ठीक है, और उसको बराबर बना दे, फिर हम लोग उसको बेच देंगे। तो ये जो गुड्स को ठीक करने का खर्चा होगा ना, ओके, दिस विल बी नथिंग बट कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन। ठीक है, बस मेरे को जरा बोलो ये जो रेक्टिफिकेशन का काम है किधर होएगा बेटा? फैक्ट्री के अंदर ही ना, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स ही हो जाएगा। ठीक है, आगे ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 39,000। बोल बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस, मैंने एक लाइन आज ही शायद वो बोला था, कोई भी चीज को डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं बोलने का टिल द टाइम सम विल टेल यू दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो खर्चा है ना हर यूनिट के लिए नहीं होने वाला बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंस वो वाला खर्चा होगा जो हर यूनिट के लिए ही लगता है। हर यूनिट को रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ उन यूनिट्स को जरूरत पड़ेगी विच आर फॉल्टी एज सच, ठीक है। और डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ भी नहीं लेने का टिल द टाइम सम विल टेल यू, ठीक है। आगे ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑब्वियसली अब ना मेरे को कोई फालतू अजम्पशन की जरूरत ही नहीं है बेटा, यहां पे लिख के रखा हुआ है ऑफिस, मतलब ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ही होएगा, ठीक है। और वैसे भी उसको सेलिंग एक्सपेंसेस के साथ कर्व कर दिया है, ओके। तो इन एनी केस अभी तो ये जनरल एडमिन और एसएनडी होएगा, सबको समझ में आ गया। अगर ये दोनों एक ही एक्सपेंस के तौर पे दिया हुआ है तो उसको इकट्ठा ही लिखना पड़ेगा ना, तो वैसे भी यहां पे लिखा हुआ है ऑफिस, बोले तो जनरल एडमिन ही होता है। सो दिस इज दैट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एसएनडी कंबाइंड। आगे प्लांट रिपेयर मेंटेनेंस एंड डिप्रिसिएशन, ऑब्वियसली प्लांट बोले तो मशीनरी होता है, तो मशीनरी रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड डिप्रिसिएशन मेरे को बोलो किधर आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स। अभी मैंने लिख ही दिया था, पता नहीं तुमको क्यों पूछा। आगे द नेट सेलिंग प्राइस वॉज 31.60। बोल 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 बोल, हाँ जी बराबर मैडम। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी की फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाता है कि एडमिन ओवरहेड्स में? बेटा वो एडमिन ओवरहेड्स के अंदर कैसे जाएगा, मैंने तब बोला था डेप्रिसिएशन, मैंने तुम लोगों को इनफैक्ट वो पूछा भी था डेप्रिसिएशन किधर जाएगा, तो तुम लोगों ने बोला पहले मेरे को ये बताओ कि सर डेप्रिसिएशन किस चीज के ऊपर है, ओके। तो देख मैंने यहाँ पर तो लिखा भी हुआ है और तूने भी लिखा ही होगा, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग। तो डेप्रिसिएशन अगर प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर है तो ऑब्वियसली इन दिस पर्टिकुलर केस वो फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर जाएगा। अगर सीसीटीवी कैमरास के ऊपर है तो इधर चला जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ओके। फिर उसके बाद अगर वो ऑफिस के कंप्यूटर्स के ऊपर है तो जनरल एडमिन में जाएगा, डिलीवरी व्हीकल्स के ऊपर है तो फिर वो एसएनडी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि वो किस के ऊपर है, ठीक है। चलो आगे चलते थे, आगे द नेट सेलिंग प्राइस वॉज 31.60 एंड ऑल द यूनिट्स वर सोल्ड। तो चलो ठीक है, तो अपना जो सेलिंग प्राइस था 31.60 था और सब कुछ बिक गया, ठीक है। सो देयरफॉर ये हो गया तुम्हारा 2021 का डेटा, ठीक है। अभी उसके बाद ये वाला जो 3 लाइन है ना ये पार्ट बी के लिए है, वो हम लोग साथ में देखेंगे, लेकिन पहले तुम लोग मेरे लिए पार्ट ए खत्म कर रहे हो। सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन, प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2021 शोइंग वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। खुद ब खुद जरा सोचो, इस क्वेश्चन के अंदर भी स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो नहीं दिया हुआ ना, बोलो बोलो बोलो, इस क्वेश्चन के अंदर स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं दिया हुआ। तो इतना कलर टीवी ट्यूब्स प्रोड्यूस किया और अगर स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं दिया, मतलब इतना कलर टीवी ट्यूब्स बेच भी दिया। तो अभी तुम लोग पार्ट ए खत्म करने वाले हो, मैं तो डिस्कशन भी नहीं कर रहा हूं। सुनो फटाफट सुनना एंड देन स्टार्ट योर वर्क। आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन पार्ट बी नॉट पार्ट ए, क्योंकि इट इज टू सिंपल यार। कुछ ऐसा तुम लोग लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक हेडिंग वगैरह वो देना हो तो दे देना, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2021, ठीक है। क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू क्वांटिटी सोल्ड इज इक्वल टू 10,000 सीटीवी ट्यूब्स। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्राइम कॉस्ट, एड फैक्ट्री ओवरहेड्स 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। फाइनल कॉलम आउटसाइड, जो टोटल आएगा ना वही तेरा फैक्ट्री कॉस्ट होगा, वही तेरा सीओपी होगा, वही तेरा सीओजीएस होगा। उसके बाद एड एडमिन / एसएनडी 39,000 का जो ये वाला चीज है, दैट विल गिव यू कॉस्ट ऑफ सेल्स। एड प्रॉफिट गेट सेल्स, और सेल्स इस क्वेश्चन के ना मिल जाएगा क्योंकि अपने पास सेलिंग प्राइस है 31.60 का। इज दैट ओके? ओके तो तुम्हारे पास इन ऑल बेटा 8 मिनट हैं, तो ये इजी वाली कॉशिट खत्म करो, खतरनाक वाली इसके बाद देखेंगे, ठीक है। अभी तक जो नहीं पढ़ा है वो मैं काट रहा हूं और वो तुमको पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। पार्ट बी भी मत पढ़ना, तुम लोग इतना खत्म करो। चलो मैं सिर्फ राइटिंग द फाइनल नंबर्स. ओके, तुम्हारा कॉस्ट शीट ऑब्वियसली फैक्ट्री ओवरहेड्स के ना बहुत चीज़ें आ रहेगा. ठीक है, टू लाख 34 ना. हाँ सर, प्रॉफिट 82,000. चलो सुनो, ये वाला जो अपना डेटा था ना, ये 2021 का था. ठीक है, 2021 का अभी कुछ ना कुछ अलग होने वाला है. ठीक है, जो अलग होने वाला है वही वाली चीज़ें बस पढ़ रहा हूँ, जो अभी तक नहीं पढ़ा था वो वाला पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक और पार्ट बी. ठीक है, पढ़ेंगे. As from 1st of Jan 2022, the selling price is reduced to 31 per unit. चलो ठीक है, तो लोग क्या बोलते हैं, नेक्स्ट ईयर मतलब 2022 से जो सेलिंग प्राइस है, पिछले साल कितना था 31.6, अभी कितना कर देंगे 31 कर देंगे. ठीक है, it is estimated that production could be increased in 2022 by 50% due to spare capacity. तो वो लोग क्या बोलते हैं कि प्रोडक्शन 2022 के अंदर 50% से बढ़ा देंगे ड्यू टू स्पेयर कैपेसिटी. मेरे को बोलो पिछले साल प्रोडक्शन कितना था 10,000, अभी 50% से बढ़ा देंगे, बोले तो 15,000 कर देंगे और क्या. ठीक है, 15,000. Rates for material and direct wages will increase by 10%. चलो ठीक है, और बोलते हैं rate of material and wages will be increasing by 10%. चलो ठीक है, तो उन्होंने मेरे को तीन चीजें बोला, सेलिंग प्राइस 31 हो जाएगा, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड क्वांटिटी सोल्ड 50% से बढ़ जाएगा, बोले तो 15,000, मटीरियल और लेबर का रेट 10% से बढ़ जाएगा. अभी रिक्वायर्ड पार्ट क्या है, प्रिपेयर एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर 2022. Assuming that 15,000 units will be produced and sold during the year, and factory overheads will be recovered as a percentage of direct wages, and office and selling expenses will be recovered as a percentage of works cost. चलो ठीक है, अपने को ये वाला काम करने का है, prepare estimated cost sheet, cost and profit. बोले तो cost sheet यार फॉर 2022 अज्यूमिंग दैट 15,000 यूनिट्स विल बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड. अभी 15,000 कैसे आता है वो तो हम लोग को मालूम है. बस मैं ना ये लाइन की वजह से और ये लाइन की वजह से ये वाला सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं. ठीक है, सो लेट्स डू पार्ट बी, लेट्स प्रिपेयर एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट. लिखिए जरा प्लीज, गिव द टाइटल, लिखो पार्ट बी. Estimated cost and profit. Usually I pick up the title from the question only. Estimated cost and profit for 2022. अभी future लिखता हूँ, quantity to be produced and sold. ये estimated stuff है बेटा. 15,000 CTV, 15,000 color TV tubes. अच्छा, टोटल पर यूनिट. चलो सुनो, तो एक टोटल और एक पर यूनिट. तुम लोग एक काम जरा करो, अभी के लिए लाइंस मत बनाओ. सो आई विल कंप्लीट दिस पर्टिकुलर थिंग, अपने को पता चल जाएगा अपने को कितनी लाइंस की जरूरत है. तो यहाँ पे यू ऑल राइट डाउन डायरेक्ट मटेरियल, यहाँ पे यू ऑल राइट डाउन डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट, एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, ताकि मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स कंप्यूट कर सकूँ. एक वर्किंग नोट 1 बनाऊंगा बाद में. दिस इज फैक्ट्री कॉस्ट स्लैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्लैश COGS, एड एडमिन /SND, इसके लिए वर्किंग नोट 2 बनाऊंगा मैं। तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स एड प्रॉफिट गेट सेल्स। अभी चाहो तो लाइंस बना लो, इससे ज्यादा तुम लोगों को कॉशिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो सुनो मेरी बात, देखो अभी मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं ना सबसे इजी काम खत्म कर रहा हूं, सबसे इजी काम। उससे इजी एक्चुअली कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। एज फ्रॉम 1 जनवरी सेलिंग प्राइस विल बी रिड्यूस टू 31। तो यहां पे लिख लेना 31। मेरे को बोलो 31 इंटू एक नंबर बोलो, 31 इंटू 15,000 ना, तो 31 इंटू 15,000 4,65,000, ठीक है। चलो सुनो, अभी तुम लोगों को जो पढ़ के ट्राई करना है और आंसर्स पेंसिल के अंदर ही लिखने का इन योर नोटबुक, ठीक है। तुम लोग को जो पढ़ने का है ना वो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं बस, बाकी चीजें अभी तुमको देखने की जरूरत नहीं है बस। these are the only lines that you have to be seen। तुम्हारे पास 4 मिनट हैं, तुमको 4 नंबर्स लेके आने हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन एंड S&D। ये वाली लाइंस पढ़ के मैं एक बार रीसेट कर देता हूं। 4 मिनट स्टार्ट्स नाउ। मेरे को प्रॉफिट निकाल के देना। इट इज गुड सम टू ट्राई। पिछली वाली कॉस्ट शीट देखना और चेंजेस देखना और न्यू कॉस्ट शीट कंप्लीट करना। तुम्हारी पिछली कॉस्ट शीट तुमको बहुत काम में आएगी। I joined AJ directly in CA finance. It was because of Alam sir and you know it was a great journey, seriously. Like I started out quite early, started with Alan sir, maza aaya masti mein. It was like it was effortless and ek ke baad ek classes karte you know when we started out with classes you don't even realize ki bhai aakhirkar itna sab karke bas wo 3-4 mahine mein udana hai and it's just that when you attend classes you are just you are just preparing, like तुम बस ऐसे steps बना रहे हो, steps बना रहे हो. You don't realize how much that contributes to reaching that final level. Thank you so much, Anand sir. Thank you, and it's been a great journey. हर्षल मेरे को फाइनल प्रॉफिट बताइए, तो एक एक करके मत बताओ, मेरे को फाइनल प्रॉफिट बताना प्लीज। मेरे को प्रॉफिट निकाल के दो, श्वेता मेरे को प्रॉफिट निकाल के दे बेटा। अभिषेक करेक्ट है वो। मीत गलत है बेटा, प्रथम गलत है, तेनियात वो करेक्ट है। गौरंग बेटा मेरे को प्रॉफिट निकाल के दे, देन आई विल बी एबल टू टेल यू। तांश्री वो रॉन्ग है बेटा। सुन, अभी अगर किसी ने शॉर्ट्स पढ़ा उसको पाप चढ़ेगा। ओके, तुम्हारा आंसर करेक्ट है नहीं, दैट आई डोंट नो। सुनो, मेरे को वैसी एक चीज जरा बोलना। ओके, अजीब एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है। इन सीए फाइनल नो अभी अगर मैं सिर्फ चलो से बॉम्बे का बात करूं, सिर्फ बॉम्बे का, तो वी ऑल डू अराउंड 2000 स्टूडेंट्स एवरी ईयर इन कॉस्टिंग, जो मेरा वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। अराउंड 2 to 2.5 thousand, ठीक है। मैं हर स्टूडेंट को बुक्स देता हूं, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। मेरा हर स्टूडेंट के लिए बुक्स का खर्चा 1500 रुपए का होता है। तो दिस विल बी माय मटेरियल कॉस्ट। मैं ये वाला चीज कंप्यूट भी कर रहा हूं, 2000 into 1500, ठीक है। तो मेरा बुक्स का ही खाली खर्चा 30 लाख रुपीज का होता है, ठीक है, सिर्फ कॉस्टिंग के बुक्स का। मेरे को ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, नेक्स्ट ईयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बिकम 2500। मेरे को ऐसा लगता है कि उतना तो चलो हो ही जाएगा। मैंने सप्लायर को बोला कि भाई मेरे को बुक्स भेजना, मेरे को 2500 बुक्स तो भेजना। बोलता सर मेरे लिए ना अभी खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, तो मैं आपको उस रेट के ऊपर बुक्स नहीं दे सकता जितना पिछले रेट के ऊपर पिछले साल वो देता था। अभी 10% ज्यादा चार्ज करूंगा, ठीक है। अभी मैं 10% ज्यादा चार्ज करूंगा। मेरा क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत सिंपल है, मैं 10% किसका बढ़ाऊं? 30 लाख का 10% बढ़ाऊं कि 1500 का 10% बढ़ाऊं? 1500 का। ऑब्वियसली मटेरियल कॉस्ट इज अ पर यूनिट कॉस्ट। अगर वो बोल रहा है कि 10% वो बढ़ाएगा, तो मतलब मेरे लिए हर स्टूडेंट के लिए खर्चा 10% बढ़ जाएगा। सो देयरफॉर दिस विल बिकम 1650। सो 2500 into 1650, दिस इज 4125,000। ओके, मटेरियल और लेबर उन लोगों ने ऐसा लिखा है rates of material and labor will increase by 10%. अगर वो लोग ऐसा नहीं भी लिखते ना, वो लोग ऐसा भी लिखते ना, मटीरियल कॉस्ट एंड वेजेस कॉस्ट विल इंक्रीज बाय, ये वाला वर्ड नहीं भी होता ना, तो भी मैं हमेशा वही सोचता कि यार मटीरियल और लेबर बाय देयर डेफिनेशन आर डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, हर यूनिट के लिए लग रहा है। तो अभी आई हैव ऑलमोस्ट टोल्ड, जस्ट आई एम आस्किंग यू अ स्टूपिड क्वेश्चन। मेरे को जरा बोलो इस क्वेश्चन के अंदर तो ये वाली लाइन है, चलो ये वाली लाइन भी नहीं होती, मैंने निकाल दी ये वाली लाइन, ठीक है। मेरे को जरा बोलो पिछले साल 10,000 यूनिट बनाते थे, इस साल 15,000 यूनिट बना रहे हो, अगर वो वाली लाइन नहीं भी होती तो मेरे को बोलो तुम लोग पिछली कॉस्ट शीट से क्या कॉपी करते, 90,000 कॉपी करते कि 9 रुपया कॉपी करते? 9 रुपीज। सम पीपल थिंक सर दोनों ही कॉपी कर लेते, तो आपका क्या जाता है बेटा? जाता है ना, अगर तू 90,000 कॉपी करेगा पिछली कॉस्ट शीट से, देन 90,000 अपॉन 15,000, तो ये वाला फिगर 6 रुपया आ जाएगा। कोई बोलता है नहीं 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 सर मैं तो 9 रुपया कॉपी करेगा, देन 9 रुपया इंटू 15,000, ये वाला फिगर कितना आ जाएगा बेटा? 1,35,000। तुमको समझो जो मैंने बोला? तो मेरे को जरा बोलो अगर कुछ नहीं बोला होता दोनों के अंदर से क्या कॉपी करते, 90,000 के 9 रुपया? बोलो 9 रुपया। और ये चीज ना मेरे को किसी को बोलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। को बोलते हैं सर कैसे पता चलता है वेरिएबल? मतलब बेटा डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन ही वो है, इट इज इनकर्ड फॉर ईच एंड एवरी यूनिट। अगर मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन बोलूं, इट इज अ फुल्ली प्रोपोर्शनल कॉस्ट, फुल्ली प्रोपोर्शनल कॉस्ट टू यूनिट्स दैट यू प्रोड्यूस। अगर यूनिट्स दैट यू प्रोड्यूस विल इंक्रीज बाय 50%, आगे तुम लोग बोलो कोई नहीं बोला। इफ यूनिट्स हैव इंक्रीज्ड बाय 50%, इवन मटेरियल कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 50%। नो, तो तुम लोग क्या करो, ये 9 रुपया था पिछले साल, तो इस साल भी अगर 9 रुपया ही रहेगा, लेकिन 9 into 15,000, दिस फिगर विल बिकम 1,35,000। पिछले साल कितना था? 90,000। अगर 90,000 को 50% से बढ़ाओगे तो सेम आंसर आ जाएगा ना। ये समझा तुम लोग को? तो मेरे को एक चीज जरा बोलो, जब उन लोगों ने, अगर सपोज ये रेट वर्ड नहीं भी होता क्वेश्चन के अंदर, अगर ये रेट वर्ड नहीं भी होता, अगर ऐसे भी लिखा होता ना मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 10%, तो मेरे को बोलो तुम लोग किस चीज को 10% से बढ़ाते? टोटल के पर यूनिट, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में बात करें बेटा, डायरेक्ट कॉस्ट आर पर यूनिट कॉस्ट ओनली, ठीक है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस अभी उन लोगों ने ये वाला लाइन मेरे को बोल दिया कि मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट विल बी राइजिंग बाय 10%, तो पिछले साल वो 9 रुपया था, तो इस साल ये वाला फिगर 9.9 हो जाएगा। आप लोग 9.9 लिखो, मेरे को बोलो 9.9 इनटू विच क्वांटिटी बॉस? 15,000, तो ये आ जाता है 148,500। आगे मेरे को बोलो लेबर कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 10%। मेरे को बोलो पर यूनिट फिगर बढ़ाऊं कि टोटल बढ़ाऊं? पर यूनिट। तो 6 था, 6.6 हो जाएगा। चलो अभी 15,000 से वो मल्टीप्लाई करो और टोटल करो। 247,500, ये 99,000 आ जाता है ना, 247,500। yes, आगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स इन दिस पर्टिकुलर केस देखो, उसके लिए एक लाइन दिया हुआ था, वो लाइन नीचे है, फैक्ट्री ओवरहेड्स विल बी रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ वेजेस। अब मैं तुमको ये वाला लाइन ना तीन अलग अलग मेथड से इंटरप्रेट करके दिखाता हूं, ठीक है, तीन अलग अलग मेथड से, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। देखो वो लोगों ने बोला है फैक्ट्री ओवरहेड्स विल बी रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स विल बी रिकवर्ड एज परसेंटेज ऑफ वेजेस, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स जब चार्ज होता है ना इट इज सम परसेंटेज ऑफ वेजेस। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को दिस फिगर अपॉन दिस फिगर इंटू 100 चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली मेरे पास ये वाला नंबर तो है ही नहीं, तो फिर वो वाला परसेंटेज कैसे लेके आऊं, तो पिछले साल की कॉस्ट शीट से लेकर आओ। फिर पिछले साल तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड्स 45 था, डायरेक्ट लेबर 60,000 था, तो सुनो मैं क्या कर रहा हूं, फैक्ट्री ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ वेजेस तुम लोग नहीं लिखना, इन 2021 इज इक्वल टू 45,000 डिवाइडेड बाई 60,000 इंटू 100, ये वाला फिगर हो जाता है 75% ऑफ वेजेस। तो वो लोग क्या बोल देता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स जब भी चार्ज करोगे ना you charge it as percentage of wages and that percentage comes to 75%। मेरे को ये वाला 75% इस साल भी मेंटेन करना है, तो इस साल मेरा वेजेस कितना है 99,000, उसका 75% शुड बी योर फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है, लिखना नहीं प्लीज। सो फैक्ट्री ओवरहेड्स इन 2021, नो, फैक्ट्री ओवरहेड्स इन 2022 will be 75% of direct labor, लेकिन direct labor 2022 के अंदर कितना हो चुका है 99,000, उसका 75% कर लो, 74,250 आना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द वेज इन विच यू ऑल कैन बी डूइंग। अगर ऐसे आया दैट इज ऑल ओके, वरना मेरे को थोड़ा सा और मेथड्स ऐसे सोच सकता हूं, दैट इज फार इजियर फॉर मी, एंड दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स विल बी रिकवर्ड एज परसेंटेज ऑफ वेजेस, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स का वेजेस के साथ कुछ रिश्ता है, तो मतलब अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स बढ़ेगा, एक मिनट, फैक्ट्री ओवरहेड्स का क्या लिखा है, विल बी रिकवर्ड एज परसेंटेज ऑफ वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स का वेजेस के साथ कुछ रिश्ता है, मतलब अगर वेजेस बढ़ेगा तो फैक्ट्री ओवरहेड्स भी बढ़ेगा, तो इन दिस पर्टिकुलर केस यू ऑल क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो देखो यहां पर क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है, 2021 के अंदर ये 60,000 था, तो ये 45,000 था, 2022 के अंदर एक नंबर बोलो डायरेक्ट वेजेस कितना हो जाएगा 99,000, तो ये वाला फिगर जो है कितना आ जाएगा 74,250। इज दैट ओके, इज दैट ओके। सेकंड, मेरे को एक्चुअली ये लास्ट मेथड सबसे अच्छा लगता है जो कोई करता नहीं है, मैं ये वाला लाइन अभी थर्ड टाइम पढ़ने जा रहा हूं, फैक्ट्री ओवरहेड्स विल बी रिकवर्ड एज परसेंटेज ऑफ वेजेस, इफ फैक्ट्री ओवरहेड्स विल बी रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ वेजेस, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स का वेजेस के साथ कुछ रिश्ता है। बोलते सर क्या रिश्ता है, एक मिनट, इसका मतलब है जो वेजेस के साथ होएगा वो फैक्ट्री ओवरहेड्स के साथ भी होएगा। कोई पूछ सकता है सर वेजेस के साथ क्या होएगा, पर यूनिट फिगर विल राइज बाई 10%, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स पर यूनिट विल ऑल्सो बी राइजिंग बाय 10%। तो एक सेकेंड, पिछले साल फैक्ट्री ओवरहेड्स पर यूनिट कितना था 4.5, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स इन 2022 विल बी 4.5 प्लस 10%, जरा कैलसी लो 4.95, ऑब्वियसली ये पर यूनिट है तो ये भी पर यूनिट ही है ना बॉस, तो यहां पर मैं 4.95 लिख देता हूं, 4.95 पर यूनिट फिगर अगर लेबर का 10% से बढ़ा तो ये भी 10% से बढ़ेगा। अभी अपना कैलसी लो, 4.95 इंटू 15,000 मारो 74,250, आप लोग ऐसे करोगे ऐसे भी चलेगा, जो भी करो तुम्हारा आंसर 74,250 ही आएगा। तुम लोग क्या करो, लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, ये वाले दो मेथड तो लिखो, ये तीसरे मेथड के लिए मेरे को बीच में एक लाइन और लिखने का है, ठीक है, तुम लोग यहां से कॉपी करना स्टार्ट करो। Now you can copy all the three methods. जब हो जाए मेरे को बता देना, और ना तुम्हारी कॉस्ट शीट के ना फैक्ट्री कॉस्ट तक पहुंच जाना प्लीज सब लोग। रेड लाइन में फैक्ट्री, हाँ माई हैंड राइटिंग इज वेरी बैड, यहाँ तक तो वो पहुँच जाओ, उसके बाद बोलता हूँ मैं, एक बार वो पढ़ देता हूँ। इफ फैक्ट्री ओवरहेड्स इज रिलेटेड टू वेजेस एंड इफ वेजेस पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 10%, फैक्ट्री ओवरहेड्स पर यूनिट विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 10%। थोड़ी देर के बाद माई राइटिंग स्टार्ट्स टू बिकम लाइक चाइनीज पीपल, तो होता है। बेटा हो जाए मेरे को बता देना, क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक ही चीज बाकी है, तो वो खत्म करते हैं जल्दी से। चलो सुनो, तुम्हारी कॉस्ट शीट के अंदर फैक्ट्री कॉस्ट तक पहुंच जाना सब लोग। 321,750 ना, 21.45। चलो सुनो, मैं क्या बोलता हूं, तुमको यहां पे तीन मेथड से सिखा दिया, अभी एडमिन और एसएनडी कोई भी एक मेथड से करके वील ट्राई टू फिनिश ऑफ द वर्क नाउ, ठीक है। देखो, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ, मेरे को ये वर्ड बोलो सब लोग एक बार, वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट इज एन ऑल्टरनेट नेम फॉर फैक्ट्री कॉस्ट बेटा। तो जैसे वहां पे फैक्ट्री ओवरहेड्स और वेजेस का रिश्ता था, यहां पर एडमिन एंड एसएनडी का और वर्क्स कॉस्ट का रिश्ता है। मैं एक मेथड से सॉल्व कर रहा हूं एंड दैट्स इनफ, आंसर तो वो सेम ही आता है। लिखो एडमिन एंड एसएनडी। एडमिन और एसएनडी का जो रिश्ता है ना वर्क्स कॉस्ट के साथ है। वर्क्स कॉस्ट इज एन ऑल्टरनेट नेम फॉर फैक्ट्री कॉस्ट, चाहो तो ऐसे लिख लो ताकि याद रहे, और उसके बाद एडमिन एंड एसएनडी 2021-2022। मेरे ख्याल से ये वाला फिगर पिछले साल 1,95,000 था, तो ये वाला फिगर 39,000 था। इस साल ये वाला फिगर 321,750 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर बेटा, मेरे को आंसर बता। 64,350। 5.26 आएगा ना। किधर बेटा, ये बराबर है शायद। हाँ प्रॉफिट वही है। हाँ अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, मैंने वो 78.9 लिख दिया। सॉरी 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 5.26 सॉरी सॉरी सॉरी। सुनो इट्स ऑल डन, बस इस क्वेश्चन का शॉर्ट्स एक बार वो देख लेना। डीएम एंड डीएल विल रिमेन सेम पर यूनिट बाय डिफॉल्ट। अगर कुछ नहीं बोला होता तो मैं यहाँ पे 9 कॉपी करता, मैं यहाँ पे 6 कॉपी करता। ऑल्दो सामने बोल दिया कि 10% से बढ़ेगा तो फिर 10% से बढ़ा दिया, ठीक है। फॉर ओवरहेड समथिंग विल बी गिवन फॉर श्योर, प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। तो ओवरहेड्स के लिए सामने अपने को फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए भी बोला, एडमिन और एसएनडी के लिए भी बोला, सम इसके बारे में अपने को बताएगा ही बताएगा, वरना हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, ठीक है। चलिए दिस पर्टिकुलर वर्क इज डन। आज के आपके होमवर्क के अंदर 2 क्वेश्चन हैं फॉर होमवर्क, सो एंश्योर दैट यू ऑल डू दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। आई विल सी यू ऑल इन टुमारोज लेक्चर। ओके बाय गाइस।